गद गद हो गई ये दातिया दर्शन करके तेरे, जो गद गद हो गई ये दातिया दर्शन करके तेरे, तू गद गद हो गई ये सतगुरु दर्शन करके तेरे, जो गद गद हो गई ये दातिया दर्शन करके तेरे, तेरे ज्ञान दे चानन ने, तेरे ज्ञान दे चानन ने किते दूर दिला चो नेरे, रू गद गद हो गई ये दातिया दर्शन करके तेरे, रू गद गद हो गई ये दातिया दर्शन करके तेरे, मन मोनी सूरत है, मन मोनी सूरत है कि तेरी है मेरे दिलदारा, है मेरे दिलदारा, है मेरे दिलदारा, छो तेरे चरना दी, छो तेरे चरना दी साया दिंदी स्वर्ग नजारा, ओ दिंदी स्वर्ग नजारा, दातिया दिंदी स्वर्ग नजारा, दिंदी स्वर्ग नजारा, दिंदी स्वर्ग नजारा, मेरी रू रानी ने, मेरी रू रानी ने जिले ले नाल एदे हुण फेरे, रू गद गद हो गई दातिया दर्शन करके तेरे, रू गद गद हो गई ये दातिया दर्शन करके तेरे, रू गद गद हो गई ये सतगुरु दर्शन करके तेरे, रू गद गद हो गई ये दातिया दर्शन करके तेरे, मेरे ख्वाबों ख्याल च नहीं सी मैनू मिल जाऊ मेरा सोना, मिल जाऊ मेरा सोना, मिल जाऊ मेरा सोना, मेरे ख्वाबों ख्याल च नहीं सी मैनू मिल जाऊ माही सोना, मिल जाऊ माही सोना, मिल जाऊ माही सोना, मेरे दिल की तख्ती ते, मेरे दिल की तख्ती ते जो बैठा बन के अज परौना, बैठा बन के अज परौना, बैठा बन के अज परौना, शहनाइयां बज उठियां, शहनाइयां बज उठियां, नी अड़ियो आवड़िया जद वेड़े, रू गद गद हो गई ये दातिया दर्शन करके तेरे, रू गद गद हो गई ये दातिया दर्शन करके तेरे, कमली रमली नू, मैनू कमली रमली नू जी इन बिन बेखे अपनाया, बिन बेखे अपनाया, बिन बेखे सिंह जी, जे मुर्शिद साडे गुनाहां वाल देखे असी इस काबिल ही नहीं कि हजूर दे कदमां च बैठ सकीए, एक बाप अपने बच्चे दे हर गुनाह नू माफ करदा इसे करके उन्हां नू रहीम दा दर्जा हुंदा, रहमत दा दरवाजा, मैनू कमली रमली नू जी इन्हे बिन वेखे अपनाया, बिन वेखे अपनाया, इन्हे बिन वेखे अपनाया, जीए जग तो सोना है, जीए जग तो सोना है, नी अड़ियो मैं जो वर कर पाया, ओ मैं जो वर कर पाया, ओ मैं जो वर कर पाया, मेरी बाना छोड़ी जी, छोड़ी जी गुरु जी मैं लड़ लग गई तेरे, तू गद गद हो गई ये दातिया दर्शन करके तेरे, तू गद गद हो गई ये दातिया दर्शन करके तेरे, तू गद गद हो गई ये दातिया दर्शन करके तेरे, तू गद गद हो गई ये दातिया दर्शन करके तेरे, तू गद गद हो गई ये दातिया दर्शन करके तेरे, तू गद गद हो गई तेरे, रूप गद गद हो गई ये दातिया दर्शन करके तेरे।
मैं तो पी के पास गई, जब सब देखी पीऊंगी मैं तो अपनी भूल गई। नैना मिला के मुझसे नैना मिला के नैना मिला के मुझसे छाप तिलक सब छीन रे मोसे नैना मिला के, छाप तिलक सब छीन रे मोसे नैना मिला के, छाप तिलक सब छीन रे मोसे नैना मिला के, मोसे नैना मोसे नैना मोसे नैना मोसे नैना मोसे नैना मोसे हमारी दुनिया बदल के रख दी नजर का मिलना हुआ बहाना, हमारी दुनिया बदल के रख दी नजर का मिलना हुआ बहाना, हमारी दुनिया बदल के रख दी बदल के रख दी बदल के रख दी बदल के रख दी बदल के रख दी, हमारी दुनिया बदल के रख दी नजर का मिलना हुआ बहाना, हमारी दुनिया बदल के रख दी नजर का मिलना हुआ बहाना। उधर निगाहें मिली किसी से, उधर निगाहें मिली उधर निगाहें मिली किसी से, इधर ये दिल बन गया निशाना। नैना मिला के मुझसे 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 निशाना। नैना मिला के मुझसे नैना मिला के मुझसे नैना मिला के मुझसे नैना मिला के मुझसे। लाखों माशूक नजर आए सरापा जादू, लाखों माशूक नजर आए सरापा जादू, ऐसे ऐसे के जिन्हें याद थे सदा जादू, ऐसे ऐसे के जिन्हें याद थे सदा जादू, ना चला कुछ ना चला मुझ पे किसी का जादू, ना चला कुछ ना चला मुझ पे किसी का जादू, तेरी आंखों ने खुदा जान किया क्या जादू। नैना मिला के मुझसे 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 नैना मिला के, ना चला कुछ ना चला मुझ पे किसी का जादू, तेरी आंखों में खुदा जान किया क्या जादू। मुझे नैना मिला के 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 मुझे नैना नैना मिला के नैना नैना मिला के आशा जन मोरे नैनन में सो पलक ढांप तो हेलू, आशा जन मोरे नैनन में सो पलक ढांप तो हेलू, अरे ना मैं देखूं और तो और ना तो है देखन दू। मिला के मुझसे नैना मिला के मुझसे नैना मिला
सुकून दिल हुआ हासिल तेरे दीदार के सदके में ना मिला के वो से 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 मतवाई प्रेम भट्टी का मतवा पिला के मतवारी कर दी मुसे नैना मिला के सोच कर आए महाराज जी शेरों पे तवज्जो चाहूंगा सोच कर आए मेरी राह में आने वाले सोच कर आए मेरी राह में आने वाले उनके जलवे हैं यहां होश उड़ाने वाले उनके जलवे हैं यहां होश उड़ाने वाले उनके जलवे हैं यहां होश उड़ाने वाले शिद्दते जलवागरी में ना छुपा मुंह अपना बेहिजाबी को खुद एक पर्दा बनाने वाले बेहिजाबी को खुद एक पर्दा बनाने वाले तेरे कुर्बान हिजाबात में आने वाले तेरे कुर्बान हिजाबात में आने वाले अरे ये तो पर्दे हैं तुझे सामने लाने वाले ये तो पर्दे हैं तुझे सामने लाने वाले कामिल ऐसे तो बहुत कम नजर आए साकी कामिल ऐसे तो बहुत कम नजर आए साकी कामिल ऐसे तो बहुत कम नजर आए साकी अरे सब कहां होते हैं आंखों से पिलाने वाले मतवाली कर तो सजा देता है इश्क अगर दोनों तरफ हो तो मजा देता है इश्क अगर दोनों तरफ हो तो मजा देता है मैं किसी जाम का मोहताज नहीं हूँ हसरत मैं किसी जाम का मोहताज नहीं हूँ हसरत मेरा साथी मुझे आंखों से पिला देता है मतवाली कर सोनी।
कंगना वे सौदा खोजिया आवे ए दिल देना ते दिल मंगना वे सौदा खोजिया दिल देना ते दिल मंगना वे सौदा खोजिया वाले हैं मेरी तस्वीर के दाने। भाई मैं लकड़ी दे तस्वीर दे दाने नहीं गिनता, मेरी सूरता दाने ने केवे जितनी अच्छी सूरतों वाले हैं मेरी तस्वीर के दाने हैं, निगाहों में फिरते रहते हैं, इबादत होती जाती है। बाबा बुले शाह कहिंदे बुलिया रब दा नाम भावे लो ना लो पर आई सूरत नूं वेख के राजी दा रहो। हर सूरत विच आवे यार बुलिया मंदिर ढा मसीतां ढा पर ढा दे जो कुछ ढहिंदा एक ना टामी दिल बंदे दा मेरा रब दिलां विच रहिंदा।
बुआ नहीं डोबे वेखना मैं सारा बुआ खोल के देखना तेन मैं नहीं सौदा को और पूरा करिए ए दिल देना ते दिन मंगना वे सौदा हो गया दिल देना ते दिल मंगना वे सौदा इको हो गया दिल देना ते दिल मंगना वे सौदा इको हो गया दिल देना ते दिल मंगना वे सौदा इको हो गया सौदा इको हो गया के सौदा इको हो गया सुरूर
साथी ये जो 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 साथी हर तरह की तेरे में खाने में है ये जो साथी हर तरह रब बंदे दी जात है इको ते जिमें कपड़े दी जात है रूं रब बंदे दी जात है इको जिमें कपड़े दी जात है रूं कपड़े दे विच रूं लुकिया ते ओमें विच बंदे दे तू
फिर आपे बोले आपे बोले फिर आपे बोले आप बुलावे ते किते आप करें हूं माने दिलदारा तू माने या ना माने दिलदारा असां ते तेनू रब मने तू माने या ना माने दिलदारा असां ते तेनू रब मने तू माने या ना माने दिलदारा असां ते तेनू रब मनिया तू माने या ना माने दिलदारा असां ते तेनू रब मनिया दस होर केड़ा रब दा दुबारा दस होर केड़ा रब दा दुबारा ओ दस होर केड़ा रब दा दुबारा असां ते तेनू रब मने तू माने या ना माने दिलदारा तेनू रब मनिया तू माने या ना माने दिलदारा साते तेनू रब मनिया तू माने या ना माने दिलदारा साते तेनू रब मनिया तुझ बिन जीना भी क्या जीना तुझ बिन जीना भी क्या जीना तुझ बिन जीना 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 के तुझ बिन जीना क्या जीना तुझ बिन जीना क्या जीना तुझ बिन जीना किसी के नाक में हीरा किसी के कान में हीरा किसी के नाक में हीरा किसी के कान में हीरा किसी के नाक में हीरा किसी के कान में हीरा हमें हीरों से मतलब क्या हमें हीरों से मतलब क्या मेरा तो यार है हीरा के तुझ बिन जीना क्या जीना 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 तुझ बिन जीना क्या जमाले यार से बढ़कर कोई जमाल नहीं जमाले यार से बढ़कर कोई जमाल नहीं वो ऐसी मिसाल है जिसकी कोई मिसाल नहीं कसम खुदा की खुदा भी साफ कहता है मेरा जवाब तू है तेरा जवाब नहीं क्या तुझ बिन जीना क्या जीना 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 तुझ बिन तुझ बिन जीना 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 तुझ बिन जीना क्या 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 जीना आप तो हुस्न की जागीर लिए बैठे हैं आप तो हुस्न की जागीर लिए बैठे हैं आपके चाहने वाले आपकी तस्वीर लिए बैठे हैं कुछ बिन जीना क्या जीना 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 कुछ बिन जीना जीना क्या जीना तुझ बिन जीना क्या जीना तुझ बिन जीना
क्या जीना तुझ बिन जीना, क्या जीना तुझ बिन जीना। वो नहीं वो जो उनसे परे बैठे हैं, वो नहीं वो जो उनसे परे बैठे हैं। कोई जाके उनको कह दे, कोई जाके उनको कह दे कि हम उन पे मरे बैठे हैं। जीना क्या जीना तुझ बिन जीना, क्या जीना तुझ बिन जीना, क्या जीना तुझ बिन जीना, क्या जीना तुझ बिन तेरी चौखट मेरा मदीना, तेरी चौखट मेरा मदीना, तेरी चौखट मेरा मदीना, ओ तेरी चौखट मेरा मदीना, तेरी चौखट मेरा मदीना। कहीं और ना सजदा गवारा, कहीं और ना सजदा गवारा, असां ते तैनू रब मने। कहीं और ना सजदा गवारा, असां ते तैनू रब मने। कहीं और ना सजदा गवारा, असां ते तैनू रब मने। कहीं और ना सजदा गवारा, असां ते तैनू रब मने। और ना सजदा गवारा, असां ते तैनू रब मने। अपने तन की खाक उड़ाई, 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 ओ तब ये इश्क की मंजिल पाई, तब ये इश्क की मंजिल पाई, तब ये इश्क की मंजिल पाई। अपने तन की खाक उड़ाई, अपने तन की खाक उड़ाई, तब ये इश्क की मंजिल पाई, तब ये इश्क की मंजिल पाई, तब ये इश्क की मंजिल पाई। मेरी सांसों का, मेरी सांसों का बोले एक तारा, मेरी सांसों का बोले एक तारा, असां ते तैनू रब मने। मेरी सांसों का बोले एक तारा, असां ते तैनू रब मने। मेरी सांसों का बोले एक तारा, असां ते तैनू रब मने। मेरी सांसों का बोले एक तारा, असां ते तैनू रब मने। दीवाने ने दीद जो पाई, दीवाने ने दीद जो पाई, दीवाने ने दीद जो पाई, दीवाने ने 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 ने, दीवाने ने दीद जो पाई, दीवाने ने दीद जो पाई, दीवाने ने जो पाई। हसरत दिल दी मार मुकाई, हसरत दिल दी मार मुकाई, हसरत दिल दी मार मुकाई, हसरत दिल दी मार मुकाई। हुण झगड़ाई मुक गया सारा, हुण झगड़ाई मुक गया सारा, असां ते तैनू रब मने। हुण झगड़ाई मुक गया सारा, असां ते तैनू रब मने। दस होर केड़ा रब दा दुबारा, दस होर केड़ा रब दा दुबारा, दस होर केड़ा रब दा दुबारा, असां
ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਮੰਨਿਆ ਤੂੰ ਮੰਨੇਗਾ ਨਾ ਮਨ ਦਿਲਦਾਰਾ ਅਸਾਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਮੰਨਿਆ 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 वारी जाऊं।
वारी वारी हाँ वारी वारी हाँ वारी वारी जाऊं गुरु गोपाल हाँ वारी वारी जाऊं गुरु गोपाल गुरु गोपाल गुरु गोपाल गुरु गोपाल गुरु गोपाल हाँ वारी वारी जाऊं गुरु गोपाल हाँ वारी वारी जाऊं गुरु गोपाल हाँ वारी वारी हाँ वारी वारी हाँ वारी वारी जाऊं गुरु गोपाल हाँ वारी वारी हाँ वारी वारी हाँ वारी वारी जाऊं गुरु गोपाल प्यारे बुजुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, हम सब जो कि ये डायमंड जुबली सेलिब्रेशन के लिए इकट्ठे हुए हैं, मैं आप सब की शुभकामनाओं का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि कितने प्यार से आप सब ने ये मैसेजेस मेरे लिए भेजे हैं। मुझे वो मौका याद आ गया जब कि परम संत कृपाल सिंह जी महाराज की डायमंड जुबली मनाई गई थी। वो ऐसा समय था जबकि प्रोग्राम दिल्ली में हुआ था और लाखों लोग दुनिया के कोने कोने से वहाँ इकट्ठे हुए थे। अगर पेंडेमिक ना होता तो आज भी शायद माहौल उस किस्म का ही होता कि हम सब दिल्ली में इकट्ठे होते और शारीरिक रूप से एक दूसरे के आसपास होते। क्योंकि ये पैंडेमिक चल रहा है इसलिए ये सारा प्रोग्राम वर्चुअली किया जा रहा है ताकि अपने अपने घरों में होते हुए हम सब इस मौके का आनंद ले सकें। संत दर्शन सिंह जी महाराज जिन्होंने बहुत कुछ हमें सिखाया, बहुत कुछ समझाया कि ज़िंदगी कैसी जीनी चाहिए, वो एक महान कवि संत थे और बहुत कुछ उन्होंने कविता के ज़रिए हम तक पहुंचाया। जब February 6, 1969 में परम संत कृपाल सिंह जी महाराज की डायमंड जुबली की सेलिब्रेशन थी तो उस मौके पर संत दर्शन सिंह जी महाराज ने एक कविता पढ़ी थी और उस कविता के ज़रिए जो मैसेज संत कृपाल सिंह जी महाराज का था वो हम सब तक पहुंचाया था। तो उस कविता का एक वर्स मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ और वहाँ संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि प्याम ये है कि दुनिया के लोग नेक बने, कि प्याम ये है कि दुनिया के लोग नेक बने, वो काम नेक करें दिल से सारे एक रहें, वो काम नेक करें दिल से सारे एक रहें। वो संदेश जो संत कृपाल सिंह जी महाराज ने हम सब तक पहुंचाया, एक बनो नेक बनो, उसके बारे में संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि प्याम ये कि संत कृपाल सिंह जी महाराज का प्याम क्या था, मैसेज क्या था
कि दुनिया के लोग नेक बने। वो चाहते थे हम नेकी का रास्ता इख्तियार करें। एक नेक इंसान कौन है, एक अच्छा इंसान कौन है, एक सच्चा इंसान कौन है? एक अच्छा इंसान वो है जो अपनी ज़िंदगी में सद्गुणों को डालता है। एक अच्छा इंसान वो है जो सच्चाई के रास्ते पर चलता है। वो जैसा है अंदर से वैसा ही बाहर अपने आप को दर्शाता है। वो ये नहीं करता कि जब इस किस्म के लोगों को मिलना है तो वो एक किस्म से अपने आप को दर्शाए, जब उस किस्म के लोगों को मिलना है तो अपने को दूसरी तरह से दर्शाए। वो झूठ धोखे फरेब की दुनिया से दूर रहता है। वो अपनी ज़िंदगी सच्चाई से जीता है। जो जो सच है उसी पर वो अमल करता है। वो एक सच्चा इंसान है। एक सच्चा इंसान वो इंसान है जो अहिंसा के रास्ते को अपनाता है। वो जानता है कि हिंसा करने से खराबी होती है, तो ना ही वो किसी और इंसान से हिंसा करता है, ना ही और जीवों से हिंसा करता है, चाहे जानवर हों, चाहे पशु हों, चाहे पक्षी हों, चाहे पानी में जो जीव हैं वो हों, क्योंकि उसे समझ है कि हर एक जीव को जान आत्मा दे रही है और वो नहीं चाहता कि आत्मा को कोई तकलीफ हो, तो वो अहिंसा का रास्ता अपनाता है, शांति का रास्ता अपनाता है, अपनी ज़िंदगी में हलचल को कम करता है ताकि उसमें हलचल ना हो। तो इसे मालूम है कि जब हलचल नहीं होगी तभी हम अपनी ज़िंदगी के मकसद की ओर बढ़ पाएंगे। एक अच्छा इंसान वो है जो नम्रता से जीता है। वो अपनी हुमे को काबू में रखता है। उसे मालूम है कि हम सब एक ही हैं और वो जब जिससे भी मिलता है, चाहे वो उसको लगे कि उसके कुछ ऊपर के हैं, चाहे लगे कि उसके नीचे के हैं, उनको एक ही नज़र से मिलता है। वो जानता है कि हम सब एक ही धरती पर जी रहे हैं और हर एक से प्रेम पूर्वक वो जीता है। एक अच्छा इंसान वो है जो कि अपनी ज़िंदगी में प्रेम का अनुभव करता है। वो जानता है कि प्रेम के ज़रिए खुशियाँ मिलेंगी। वो जानता है जहाँ जहाँ प्रेम वो बढ़ाएगा, प्रेम उसके अंदर और बढ़ता चला जाएगा। एक अच्छा इंसान वो है जो करुणा से जीता है, जिसके अंदर कंपैशन है, जो औरों का दुख दर्द देखकर उसमें हिस्सा बढ़ाता है ताकि किसी का अगर दुख दर्द हो तो वो दूर हो जाए। तो ये एक अच्छे इंसान के लक्षण हैं। वो इंसान जो अच्छा है वो सच्चा कब होता है? एक अच्छा इंसान है, एक सच्चा इंसान है, एक अच्छा इंसान है, एक नेक इंसान है। अगर सिर्फ इंसान अच्छा ही रहा और सिर्फ दुनिया की चीज़ों में ही ध्यान देता रहा तो वो जिस मकसद से यहाँ भेजा गया है उसे कभी पूरा नहीं कर पाएगा। तो एक अच्छे इंसान को एक सच्चा इंसान बनना है। तो सच्चा इंसान कौन है? वो इंसान जो अच्छाइयों को ज़िंदगी में ढालता हुआ, जो ज़िंदगी का लक्ष्य है, जो अपनी आत्मा का मिलाप परमात्मा से करवाना है, उस रास्ते पर बढ़ता चला जाता है। वो इंसान जो अच्छा होते हुए भजन अभ्यास करता है, सिमरन करता है, दान टिकाता है और अपने आप का अनुभव करता है, वो इंसान जो अपने आप का अनुभव करता है और जान लेता है कि
कि वो शरीर नहीं, वो मन नहीं, लेकिन वो आत्मा है, तो फिर वो उस आत्मा को खुराक देता है। आत्मा की खुराक शब्द के साथ जुड़कर मिलती है उसे, भजन अभ्यास करके प्रभु के शब्द के साथ जुड़ता है और फिर वो अंदर की दुनिया में उड़ान लेता है। और जैसे जैसे अंदर की दुनिया में बढ़ता है तो असलियत उसके सामने खुलनी शुरू हो जाती है, और अपने सद्गुरु की मदद से और पिता परमेश्वर की दया मेहर से वो अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है, अपनी आत्मा का मिलाप परमात्मा में करवा लेता है, वही एक सच्चा इंसान है। तो संत कृपाल सिंह जी महाराज ने फरमाया था कि एक बनो नेक बनो, कि नेक इंसान वो है जो कि सच्चा इंसान है। अच्छा इंसान बनना बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये सिर्फ एक पहली सीढ़ी है, पहला कदम है अपनी मंजिल की ओर बढ़ने के लिए। तो आज के दिन जबकि हम सब प्यार से इकट्ठे हो रहे हैं, हमें ये जानना चाहिए कि हम सबको एक सच्चा इंसान बनना है। यही मैसेज परम संत कृपाल सिंह जी महाराज का था, यही मैसेज दयाल पुरुष संत दर्शन सिंह जी महाराज का था। ये महापुरुष चाहते थे कि हम अपनी मंजिल को पालें, और जब भी हम उनकी याद में इकट्ठे होते हैं तो जो रास्ता उन्होंने दिखाया है उस रास्ते पर हमें तेज़ी से चलने की कोशिश करनी चाहिए। जितने भी महापुरुष धरती पर आए हैं, बार 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 वो हमें समझाते चले आए हैं कि ये एक सुनहरा मौका है जो प्रभु ने हमें दिया है अपने आप को सही रूप में जानने के लिए और अपनी आत्मा का मिलाप परमात्मा से कराने के लिए। और ये जानना कि हम सब पिता परमेश्वर को पा सकते हैं, ये जानना कि हम सब में खामियां हैं, लेकिन ये मतलब नहीं कि खामियां होंगी तो प्रभु हमें बख्शेंगे नहीं। ये शब्द जो अभी हमने सुना था वो गुरु अर्जन देव जी महाराज का कहा गया है। गुरु अर्जन देव जी महाराज उस शब्द में एक शिष्य की ओर से अपने सद्गुरु को प्रार्थना कर रहे हैं कि उन्होंने अपने सद्गुरु को कैसे पाया और वो अपने आप को किस स्टेट में समझते थे, ताकि उनके लफ्ज़ों के ज़रिए हम समझ पाएँ कि हमें अपनी ज़िंदगी कैसे बनानी है। गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमा रहे हैं कि हो वारी वारी जाऊं गुरु गोपाल, वो फरमा रहे हैं कि मैं अपने सद्गुरु पर वारी वारी जाता हूं, मुझे मालूम है कि उनके ज़रिए मुझे सब कुछ मिलेगा, वो देने वाले हैं, वो दाता हैं, और उन्हें गुरु गोपाल कहा गया है कि वही प्रभु की निशानी है यहाँ धरती पर। उनके ज़रिए जो जो मुझे चाहिए वो सब कुछ मुझे मिलेगा, इसलिए मैं वारी वारी जाऊँ गुरु गोपाल। और आगे फरमा रहे हैं कि मोहे निर्गुण तुम पूर्ण दाते दीनानाथ दयाल। गुरु अर्जन देव जी महाराज एक शिष्य के रूप में फरमा रहे हैं, मुझ में तो गुण है नहीं, मैं निर्गुण हूँ, मुझ में तो त्रुटियाँ हैं, मुझ में तकलीफ़ें हैं, मैं चीज़ें गलत कर देता हूँ और मुझ में कोई गुण नहीं है। आप हो जो गुणों से भरे हुए हो, आप हो जो गुणों से भरपूर हो, जो दीन है उनको आप मदद करने के लिए आए हो। हम आम इंसान जो के कर्मों के बोझ में फंसे हुए हैं, हम आम इंसान जो गलतियां करते रहते हैं,
तो आप हो के जो अपनी दयालुता में मुझे बख्श दोगे, आप ही हो जिनकी दया से मैं अपनी मंजिल तक पहुंच सकता हूं। तो फरमा रहे हैं कि मोह निर्गुण, मुझ में तो कोई गुण है नहीं, तुम पूर्ण दाते, तो आप तो पूर्ण हो, आप परफेक्ट हो। दीना नाथ दयाल कि आप हम सबकी मदद यहाँ करने के लिए आए हुए हैं, आप दयालु हैं, आप कृपालु हैं, आप दया करो, मुझ पर कृपा करो और मुझे अपनी मंजिल तक पहुँचा दो। जो रास्ता है, जो अंदरूनी रास्ता है, जो आत्मा की उड़ान का रास्ता है, उस पर मुझे ले चलो, मुझे समझाओ, मुझे दिखाओ, ताकि मैं भी अपनी मंजिल तक पहुंच सकूं। और आगे फरमा रहे हैं कि एक शिष्य की ज़िंदगी कैसी होनी चाहिए कि उठत बैठत सोवत जागत, जिया प्राण धन माल। वो कह रहे हैं कि चाहे मैं उठा हुआ हूँ, चाहे बैठा हुआ हूँ, चाहे सोया हुआ हूँ, चाहे जागृत हूँ, कि उठत बैठत सोवत जागत, मुझे ये अनुभव हो कि मैं आत्मा हूँ, मुझे आपने प्राण दिए हैं, और ये जो भी धन दौलत, जो भी माल है, जो कि मैं सोचता हूँ मेरा कमाया हुआ है, ये सब आपकी देन है, कि मैं जानूँ कि इस धरती पर मुझे आपने भेजा है, मैं आप ही की आत्मा हूँ, मैं आप ही का हिस्सा हूँ, आप ही के कारण मैं जीवित हूँ। जब तक आत्मा इस शरीर में रहेगी तब तक मैं जीवित रहूँगा, और जो भी मुझे मिला हुआ है ये सब आप ही की देन है। तो इस अवस्था में पहुँचना जिसमें कि हम प्रभु का शुक्रिया अदा करें कि हे प्रभु, आपके भाने में मैं जी पाऊँ, जैसी आपकी रजा है वैसे ही मैं अपनी ज़िंदगी गुजार पाऊँ, कि हे प्रभु आपने बड़ी कृपा की कि 84 लाख जिया जून में जो सबसे उत्तम चोला आया, जो मानव चोला मुझे दे दिया, ताकि मैं अपनी मंजिल तक पहुंच सकूं, तो आप कृपा करो मुझे अपनी ओर खींच के लेके जाओ। और आगे फरमा रहे हैं कि दर्शन प्यास बहुत मन मेरे, दर्शन प्यास बहुत मन मेरे, नानक दर्श न्याल। शिष्य प्रार्थना कर रहा है कि आपके मुझे दर्शन नहीं हुए, मैं शरीर से ऊपर उठ नहीं पा रहा, और मेरा मन बहुत चाह रहा है कि आपके दर्शन, मेरा दिल चाह रहा है कि आपके दर्शन, मैं अंदर से चाह रहा हूँ कि आपको मैं मिलूं। तो हे प्रभु, आप दया करो और मुझे अपने दर्शन दो। अपने सदगुरु से प्रार्थना कर रहे हैं कि अंदर की दुनिया में उन्हें अपने सदगुरु के दर्शन हो, ताकि जो नूरी स्वरूप है उनके सदगुरु का, जो नामदान के दिन यहाँ 10वें द्वार पर टिक जाता है, उसका हम अनुभव कर पाएँ, और उसकी मदद से ये पिंड के देश से ऊपर उठ के सचखंड तक पहुँच जाएँ, ताकि अपनी आत्मा का मिलाप परमात्मा में करा सकें। तो महापुरुष जब भी आते हैं हमें समझाते हैं कि हम सब अपनी मंजिल तक पहुँच सकते हैं, मंजिल हमसे दूर नहीं। संत दर्शन सिंह जी महाराज ने भी एक जगह फरमाया है कि मिलेगा रूह को परवाज़ दे के देख ज़रा, करीब है उसे आवाज़ दे के देख ज़रा। वो कहते हैं पिता परमेश्वर हमें ज़रूर मिलेंगे, हमने करना क्या है, रूह को उड़ान देनी है, रूह को अंदर के मंडलों में लेके जाना है। वो तो प्रभु तो हमारे भीतर बैठे, उनसे नज़दीक तो और कोई है ही नहीं, लेकिन हमें उन्हें सिंसैरिटी से पुकारना है, एक लगन से पुकारना है, सच्चाई से पुकारना है। जब ऐसा करेंगे तो हम देखेंगे कि जब हम एक कदम प्रभु की ओर उठाते हैं तो वो हज़ारों कदम हमारी ओर चले आते हैं। ये हमारी कमज़ोरी, हम सोचते हैं प्रभु बहुत दूर हैं, हज़ारों कदम आएंगे, लेकिन तो हमारे भीतर हैं। जैसे हमारा ध्यान बाहर की दुनिया से हटता है और अंदर की दुनिया की ओर होता है, तो हम प्रभु की नज़दीकी पानी शुरू कर देते हैं।
प्रभु से नजदीक और कोई हमारे है नहीं। ये हमारी कमजोरी है कि प्रभु हमारे भीतर बैठे हुए हैं और हम उन्हें देख नहीं पाते, जान नहीं पाते, पहचान नहीं पाते, उनसे बातचीत नहीं कर पाते। लेकिन अगर ध्यान दुनिया से हटाएंगे और अंदर की दुनिया की ओर बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि प्रभु की हमें नज़दीकी मिलेगी, प्रभु का प्रेम मिलेगा, प्रभु का आशीर्वाद मिलेगा, प्रभु हमें इस माया की दुनिया जिसमें हम जी रहे हैं से निकाल कर अपने धाम सचखंड तक ले जाएंगे। संत दर्शन सिंह जी महाराज, जिन्होंने बहुत कुछ रूहानियत के रास्ते के बारे में कहा है, जो बार बार समझाया करते थे कि ज़िंदगी का मकसद हम सबका एक ही है, जो जानते थे कि हम ये बाहर की दुनिया की रंग रलियों में फंस गए हैं, वो जानते थे कि दुनिया की अट्रैक्शन बहुत हैं, ये दुनिया का खिंचाव बहुत है और उस खिंचाव में हम फंस जाते हैं। चाहे हमें लगे कि हम शरीर हैं, इसको तंदुरुस्त करना, उसमें लग जाते हैं, चाहे लगे कि हम तो दिमाग हैं तो दिमाग को तेज़ करने के लिए तरह तरह की चीज़ें सीखनी शुरू कर देते हैं, चाहे सोचें ये दुनिया ही सब कुछ है, दुनिया को जानने के लिए कभी यहाँ जाते हैं, कभी वहाँ जाते हैं, कभी वहाँ जाते हैं, और बहुत सी बार जिनको भी हम मिलते हैं उनके साथ लगाव कर लेते हैं, सोचते हैं यही सब कुछ असली है। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज ने एक गज़ल के ज़रिए हमें समझाया है कि हम इंसानों को जीना कैसे चाहिए। संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि जज्बा ए दिल को अमल में कभी लाओ तो सही, अपनी मंजिल की तरफ पांव बढ़ाओ तो सही। संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें समझा रहे हैं कि जज्बा ए दिल, ये जो मन की इच्छाएं हैं, जो भावनाएं हैं मन की, उनको अमल में कभी लाओ तो सही, उनको कुछ करने के लिए करो, जो मन है, नहीं तो वो तो तुम्हें दुनिया की ओर खींच के लेके जाएगा। मन तो कहेगा ये भी चीज़ ज़रूरी है, वो भी चीज़ ज़रूरी है, वो भी चीज़ ज़रूरी है, दुनिया की उसी में लगे रहो। कि जज्बा है दिल को अमल में कभी लाओ तो सही, तो आप कोशिश करो कि मन को सही तरीके के काम में लगाओ, कि अपनी मंजिल की तरफ पांव बढ़ाओ तो सही। संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे कि आप सबकी कोई मंजिल है, आप यहाँ किसी मंजिल के बगैर नहीं भेजे गए, और आप सबकी मंजिल यही है कि आप अपने आप को सही रूप में जानो और पिता परमेश्वर को पाओ, सेल्फ रियलाइजेशन एंड गॉड रियलाइजेशन। कि हमें जानना है कि हम हैं कौन, और जब ये जानकारी हो गई कि हम शरीर नहीं, हम मन नहीं, हम अपने इमोशंस नहीं, कि हम एक आत्मा है, तो फिर हमारी मंजिल है परमात्मा में लीन होना, तो उसकी तरफ कदम बढ़ाओ कि अपनी मंजिल की तरफ पांव बढ़ाओ तो सही। और आगे फरमा रहे हैं कि जाग उठेगी ये सोई हुई दुनिया, लेकिन कि जाग उठेगी ये सोई हुई दुनिया, लेकिन पहले खाबीदा तमन्ना को जगाओ तो सही। संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे कि आपको लग रहा है कि सब अंधेरा ही अंधेरा है, जैसे रात हुई हुई है, डार्क नाइट ऑफ द सोल कहा गया कि आत्मा जितनी देर प्रभु से अलग रहती है वो अंधेरी रात में जी रही है। तो फरमाएंगे कि जाग उठेगी ये सोई हुई दुनिया, लेकिन कैसे जागेगी, पहले खाबीदा तमन्ना को जगाओ तो सही। वो कह रहे हैं कि जो आपकी अंदर जो इच्छा होनी चाहिए, जो तमन्ना होनी चाहिए, वो होनी चाहिए अपने मकसद को पूरा करने की। इस समय आपके अंदर तरह तरह की तमन्नाएं हैं, तरह तरह की इच्छाएं हैं। कोई अगर पढ़ना चाह रहा है तो कह रहा है मैं बैचलर डिग्री कर लूँ, मास्टर डिग्री कर लूँ, पीएचडी कर लूँ। कोई अगर काम कर रहा है तो कह रहा है मैं और काम कर लूँ, और काम कर लूँ, और काम कर लूँ। कोई पैसे कमा रहा है तो कह रहा है मैं और पैसे कमा लूँ, और पैसे कमा लूँ, और पैसे कमा लूँ।
किसी ने दोस्त मित्र बनाए तो भी कह रहा है मेरे थोड़े और ज़्यादा हो जाएं, थोड़े और ज़्यादा, थोड़े और ज़्यादा हो जाएं। किसी ने अगर इस दुनिया में धन दौलत कमाई हो, कह रहा मुझे और प्रॉपर्टीज मिले, और धन दौलत कमाओ, और चीज़ें करो। तो फरमा रहे कि सब इच्छाएं ये दुनिया की चीज़ों की हैं, असली इच्छा क्या होनी चाहिए? वो इच्छा जो अपने मकसद को पूरा करे, वो इच्छा जिसके होने से जो प्रभु ने हमें ये देन दी है, ये मानव चोला दी है, इसका मकसद पूरा हो, और वो है अपने आप को जानना और पिता परमेश्वर को पाना। तो फरमा रहे हैं कि जब वो इच्छा आप में जागृत होगी तो ये जो आपको दुनिया लग रही है, सो रही है, सब जागनी शुरू हो जाएगी। जब इच्छा होगी कि हमने प्रभु की ओर बढ़ना है तो हम अंधेरे से रोशनी की ओर बढ़ेंगे। जब बाहर से ध्यान अंदर की दुनिया की ओर टिकाएंगे तो हमारे अंदर प्रभु का शब्द चल रहा है, जिसके दो रूप हैं, एक ज्योति एक श्रुति, लाइट एंड साउंड। अंदर ऐसा मधुर संगीत है जिसका आप लफ्जों में बयान ही नहीं कर सकते, इतनी अंदर खूबसूरती है। वो जब तक अनुभव ना की जाए, कोई भी बाहर की चीज़ उसके सामने सब फीकी की फीकी हैं। तो फरमा रहे हैं कि तमन्ना अपने अंदर करो कि जो अंदर में प्रभु की ज्योति और श्रुति है उसका आप अनुभव करो, असलियत की जानकारी पाओ, तभी अपनी मंजिल तक पहुंच सकोगे। और आगे फरमा रहे हैं कि फूल ही फूल हैं कहते हो जिन्हें तुम कांटे, मेरी दुनियाए जुनू में कभी आओ तो सही। कि फूल ही फूल हैं कहते हो जिन्हें तुम कांटे, मेरी दुनियाए जुनू में कभी आओ तो सही। तो वो हम सब की ज़िंदगी में हम क्या करते हैं उसकी ओर ध्यान हमारा दिलवा रहे हैं। हम लोग सब सोचते हैं वो मेरे साथ ये खराबी होगी, मेरे साथ वो खराबी होगी, मैं तो बहुत अच्छा काम कर रहा था, पता नहीं क्यों खराबी हो गई है। वो मेरे दोस्त में तो बहुत मजा कर रहे हैं, तकलीफें मेरे पास ही आ रही हैं। ये लोग तो कुछ करते नहीं, ये बड़े अच्छे हो गए हैं, हम बुरे हो गए हैं। हम लोग हर समय कंप्लेन करते रहते हैं, ये चीज़ ठीक नहीं, वो चीज़ ठीक नहीं, वो चीज़ ठीक नहीं। दुख दर्द से अपने आप को घेरी रखते हैं। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि हम सोचते हैं कि हम कांटों की ज़िंदगी जी रहे हैं। वो फरमा रहे हैं ये हमारी कमज़ोरी है कि फूल ही फूल हैं कहते हो जिन्हें तुम कांटे। वो कहते हैं आपकी ज़िंदगी से बेटर तो कुछ ज़िंदगी हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि आपको मानव चोला मिला, 84 लाख जिया जो तो कोई कीड़े मकोड़े की ज़िंदगी जी रहा है, कोई पानी में जी रहा है, कोई पशु है, कोई पक्षी है, अलग अलग ज़िंदगी जी रहे हैं, उनकी क्या तकलीफें तो आप समझ ही नहीं सकते। आपको खुश होना चाहिए कि प्रभु ने मानव चोला दिया, इससे बेहतर कुछ मिल सकता ही नहीं हमारी आत्मा को। कि फूलों की ज़िंदगी प्रभु ने हमें दी है, हम बेवकूफ़ हैं जो सोचते हैं कांटों की ज़िंदगी है, छोटी छोटी चीज़ों में दुखी हो जाते हैं। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो दुखी इंसान क्यों होता है? औरों को देखकर वो सोचता है हो इसका भी अच्छा हो गया, उसका भी अच्छा हो गया, मैं ही रह गया। उसे मालूम नहीं कि उसके कर्म कैसे हैं, हर के कर्म अलग अलग हैं। यहाँ पर हम सब भेजे गए हैं कर्मों को काटने के लिए। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि प्रभु ने तो हमको सबसे बेहतरीन चीज़ दी है, ये हम हैं जो सोचते हैं कि हमें तकलीफें मिल गई हैं। तो फरमा रहे हैं कि फूल ही फूल हैं कहते हो जिन्हें तुम कांटे, मेरी दुनिया जुनू में कभी आओ तो सही। तो समझा रहे हैं कि एक जुनू की ज़िंदगी है, एक प्रेम से भरपूर ज़िंदगी है, एक प्रभु के अनुभव करने की ज़िंदगी है, वो ज़िंदगी हमारे भीतर है। कि उस ज़िंदगी में तुम आओ तो सही, ध्यान बाहर से हटाओ, अंदर की ओर करो, देखो कितनी खुशियाँ, कितना आनंद तुम्हें मिलेगा। अब जो कई लोग हैं जो पिछले 25-30 साल में जिनको एक्सपीरियंसेस हुए हैं, जिनको नियर डेथ एक्सपीरियंसेस कहा जाता है, ऐसे लोग जो मौत के बहुत करीब पहुंच गए थे, कोई एक्सीडेंट में था, कोई ऑपरेटिंग टेबल पर था, और एकदम उन्होंने अपने आप को उस अवस्था में पाया जो जैसे ऑपरेटिंग रूम में थे कि जैसे वो सीलिंग के पास हों, छत के पास पहुँच गए हों, और देख रहे हैं डॉक्टर नर्सेज उनके ऊपर काम कर रहे हैं। बहुतों ने कहा कि हम ऑपरेटिंग रूम की दीवारों से बाहर अपने आप को हमने पाया, देखा,
हमारे रिश्तेदार दोस्त मित्र वहाँ बैठे हुए हैं। भूतों ने कहा कि हम कई मील दूर चले गए, किसी ने कहा मैंने अपने कज़न को मिला, किसी ने कहा किसको मिला, किसी ने कहा किसी दोस्त को मिला, और जब ये एक्सपीरियंस इकट्ठे गए तो ये सब जब उन्होंने चेक करा सब चीज़ें ठीक थी। और फिर उन्होंने कहा कि हम एक ऐसी जगह पहुँचे जहाँ रोशनी रोशनी थी, इतनी रोशनी थी, इतनी रोशनी थी कि कभी हमने इतनी रोशनी देखी नहीं, लेकिन गर्म नहीं थी। जनरली जब बहुत ज़्यादा रोशनी होती है उसकी बड़ी हीट पैदा होती है, बट वो कहते कोई हीट नहीं थी, बड़ी खूबसूरत रोशनी थी। और सबने कहा कि हमें बहुत वहाँ सुकून मिला। कईयों ने कहा कि हमें वहाँ एक रोशनी का फरिश्ता मिला और उसने हमें गले से लगाया। और ये सबने कहा जिन्होंने ये अनुभव किया कि जितना प्रेम हमें उस रोशनी के फरिश्ते से मिला उतना प्रेम ज़िंदगी में हमने कभी नहीं पाया था। और कईयों ने यह भी कहा कि जो हमारी ज़िंदगी के ऐसे ऐसे मौके थे जो इम्पोर्टेंट थे वो हमें दर्शाए गए और उसमें हमें समझाया गया कि हमने जो क्या किया उसका क्या असर हुआ। तो अगर हमने किसी की मदद की तो वो कितने खुश हुए, हमें वो खुशी दी गई, और अगर हमने किसी को तकलीफ़ दी तो वो तकलीफ़ कितनी गहरी थी वो भी हमें अनुभव कराया गया। लेकिन सबने कहा चाहे हमने ज़्यादा अच्छी चीज़ें की थी चाहे ज़्यादा ख़राब चीज़ें की थी, हमें उस रोशनी के फरिश्ते से प्रेम ही प्रेम मिला। तो हम वहाँ से वापस नहीं आना चाहते थे, लेकिन क्योंकि ये उनका समय जाने का नहीं था, वो सब ने अपने आप को अपने शरीर में पाया। ये वो इंसान थे जो सिर्फ ये जो पिंड का मंडल है इसके बॉर्डर तक पहुँचे थे और वहाँ से वापस भेजे गए। तो जब हम वहाँ से पार हो जाते हैं अभ्यास करके अपने सद्गुरु की मदद से, हम पिंड से अंड में, अंड से ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड से पार ब्रह्म में, उसको पार करके सचखंड में पहुँचते हैं, तो कितना प्रेम हमें मिलता है उसका अनुभव उसे ही होता है जो उस यात्रा पर जाता है। तो यहाँ संदर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि मेरी दुनिया जुनू में कभी आओ तो सही। वो फरमा रही जो मेरी प्यार की दुनिया है जो आपके अंदर है उसमें कभी कदम तो बढ़ाओ, उसमें कभी आओ तो सही। आओगे तभी तुमको पता होगा कि अनुभव क्या होंगे। अगर सारा समय तुम्हारा बाहर की दुनिया में लग गया तो फिर अपने साथ अपने अंग संग इतनी खुशियां लाकर भी तुम उससे फायदा नहीं उठा पा रहे हो। आगे फरमा रहे हैं कि जिंदगी फिर से जवां फिर से हंसी हो जाए, जिंदगी फिर से जवां फिर से हंसी हो जाए, उनकी आंखों से ज़रा आंख मिलाओ तो सही। कि उनकी आंखों से ज़रा आंख मिलाओ तो सही। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि हमारी ज़िंदगी फिर से हंसी और फिर से जवान हो जाएगी, हमारी ज़िंदगी में खुशियां आ जाएंगी, हम अपने आप को जवानी के आलम में पाएंगे। जवानी के समय में इंसान सबसे ज़्यादा तंदुरुस्त होता है, सबसे ज़्यादा अपने आप को खूबसूरत समझता है, सबसे ज़्यादा में ताकत होती है। तो फरमा रहे हैं कि उस अवस्था में हम पहुँच जाएंगे, हमारी आत्मा उस अवस्था में पहुँचेगी। कब पहुँचेगी कि उनकी आँखों से ज़रा आँख मिलाओ तो सही। तो फरमा रहे हैं कि अपने सद्गुरु की आँखों से जो प्रभु का नूर टपक रहा है उसकी ओर ध्यान दो। परम संत कृपाल सिंह जी महाराज फरमाते थे कि 2/3 हिस्सा रूहानियत का हमारे सद्गुरु की आँखों से आ मिलता है, इसलिए बार 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 हमें दर्शन करने को कहा जाता है कि महापुरुषों के दर्शन करें, और जब दर्शन करें तो ध्यान उनकी आँखों की ओर रखें, क्योंकि रूहानियत के खजाने उनकी आँखों से हमारी ओर खुलते चले जा रहे हैं। तो यहाँ फरमा रहे हैं कि उनकी आँखों से ज़रा आँख मिलाओ तो सही। कि जब हम सत्संग में जाएं, जब अपने सद्गुरु के दर्शन करें तो ध्यान उनकी आँखों की ओर हो, क्योंकि उनकी ओर से जो ये रूहानी किरणें हमारी ओर आ रही हैं, उनकी आँखों से हमारी आँखों तक, उनके दिल से हमारे दिल तक, उनकी रूह से हमारी रूह तक फिर कनेक्शन हो जाता है। और हम अंदर की दुनिया में जाने के लायक हो जाते हैं। और इस गज़ल के आखिरी शेर में संदर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि करते फिरते हो अंधेरे की शिकायत दर्शन, कि करते फिरते हो अंधेरे की शिकायत दर्शन, दिल की दुनिया में कोई दीप जलाओ तो सही। कि दिल की दुनिया में कोई दीप
जलाओ तो सही। तो फरमा रहे हैं संदर्शन सिंह जी महाराज कि हम लोग तो शिकायतें करते रहते हैं कि करते फिरते हो अंधेरे की शिकायत दर्शन। हम ये शिकायत करते हैं जी ये भी खराब है वो भी खराब है, यहाँ भी अंधेरा है वहाँ भी अंधेरा है, रोशनी है ही नहीं कहीं पर, हर एक चीज़ खराब ही खराब हमें लगती है। तो फरमा रहे हैं कि अंधेरे का फिक्र मत करो कि दिल की दुनिया में कोई दीप जलाओ तो सही। वो कह रहे हैं अपने अंदर की ओर जाओ, प्रभु की ज्योत वहाँ है उसके साथ जुड़ो, अंदर की दुनिया में बढ़ोगे तो अपने आप रोशनी होगी क्योंकि प्रभु की ज्योत हम सबके अंदर जल रही है। जितनी देर ध्यान बाहर की दुनिया में रहेगा लगे अंधेरा ही अंधेरा है, जैसे अंदर की ओर बढ़ेंगे उस ज्योत के दर्शन करेंगे। तो समझा रहे हैं कि अंदर में प्रभु की ज्योत के साथ हम जुड़ें मिलें ताकि रोशनी रोशनी हो, जागृति जागृति हो और हम अपनी मंजिल की ओर कदम तेज़ी से बढ़ाएं और अपनी मंजिल को इसी ज़िंदगी में पालें। आज हम सब जो इस डायमंड जुबली सेलिब्रेशन के मौके पर इकट्ठे हुए हैं, हम सब ये जानें कि जो हमने आज शब्द सुना गुरु अर्जन देव जी महाराज का, गुरु अर्जन देव जी महाराज हमें समझा रहे हैं कि हम प्रभु की ओर ध्यान दें, उनका शुक्रिया अदा करें। हम जानें कि हर समय सोते हुए उठते हुए जागते हुए हम उनकी देनों की ओर ध्यान दें, जाने के सब कुछ प्रभु के दिया हुआ है। और जैसे दयाल प्रसन्न दर्शन सिंह जी महाराज ने अपनी इस गज़ल के ज़रिए समझाया है कि हम अपनी तरफ से हिम्मत करें, ज़िंदगी के मकसद की जानकारी पाएं और कदम पिता परमेश्वर की ओर बढ़ाएं। क्योंकि ऐसा मौका है जबकि हम शारीरिक रूप से मिल नहीं पा रहे, तो मैंने एक प्रार्थना आप सबकी ओर से पिता परमेश्वर के चरण कमलों में की है जिसे मैं दो वर्सेस के ज़रिए आप तक पहुंचाना चाहता हूं। हम सब चाहते हैं कि हम अपने सद्गुरु से मिलें, हम सब चाहते हैं हम पिता परमेश्वर से मिलें। ये कुछ समय ऐसा आ गया है जिसमें कि शारीरिक रूप से हम मिल नहीं पा रहे, तो प्रार्थना प्रभु के चरण कमलों में यही है कि ये एक प्रार्थना है सबकी ओर से ए मालिक, ये एक प्रार्थना है सबकी ओर से ए मालिक, अपने जीस को अपने से मिलाओ तो सही, अपने जीस को अपने से मिलाओ तो सही। बहुत समय बीता है, बहुत समय बीता है आपको मिले हुए, अपनी दया से हमें बुलाओ तो सही। तो मेरी यही प्रार्थना हम सब के लिए है कि बहुत जल्दी हम सब शारीरिक रूप से एक दूसरे से मिल सकें और अपने कदम प्रभु की ओर बढ़ा पाएँ।